बठिंडा कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मॉरिशस के नागरिक का मिला शव। इलाके में दहशत, डेढ़ महीने पहले टूर पर आया था भारत। पूर्वी दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह हुआ जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानियां, मौसम में भी हुआ बदलाव। आनंद विहार में पुलिस ने एटीएम मशीन को चुराने वाले आरोपी को किया अरेस्ट, पास से मोबाइल फोन, बाइक और भी कई चीजें की बरामद। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला की छीनी थी चेन, पुलिस के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार किया बरामद। लक्ष्मीनगर में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, केजरीवाल के बारे में लोगों को बता रही बीजेपी। बीजेपी ने कहा केजरीवाल दे इस्तीफा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गीता कॉलोनी में शुक्रवार रात एक विदेशी नागरिक का शव बरामद हुआ। मृतक मॉरिशस का रहने वाला है, उसकी पहचान भगवत लुतमी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि कॉलोनी के लोगों ने जब शव को पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कॉलोनी वासियों से मृतक विदेशी नागरिक को लेकर पूछताछ कर रही। घटना को लेकर शहादरा डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि स्थानीय थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गीता कॉलोनी में एक विदेशी बुजुर्ग नागरिक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव के आसपास जांच पड़ताल की तो मृतक के कुछ सामान पड़े मिले, उन्हीं में से मृतक का आई कार्ड भी बरामद हुआ। आई कार्ड से मृतक की पहचान मॉरिशस निवासी भगवत लुतमी के रूप में हुई है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि शव की हालत काफी खराब थी, कम से कम 2-3 दिन पुराना था। शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कॉलोनी के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि घटनास्थल पर शव की जांच पड़ताल की गई, लेकिन शव पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। इससे आशंका व्यक्त की गई कि मृतक के साथ लूटपाट नहीं की गई है, हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को बारिश के साथ ओले भी पड़े। बारिश और तेज हवाओं की वजह से मौसम सुहाना रहा। संभावना है कि दिल्ली में अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, साथ ही कई स्थानों पर तापमान 30 डिग्री से भी कम पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 21 मार्च से मौसम साफ होने लगेगा और एक बार फिर से गर्मी का असर दिखना शुरू हो जाएगा। बारिश के कारण पूर्वी दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम बहुत अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस टाइम जो बारिश हो जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है और बहुत बढ़िया मौसम है और लोग इंजॉय करने के लिए निकल चुके होंगे अब तक और हम भी कोशिश हम इंजॉय करने के लिए निकल जाएं। अब एग्जैक्टली बहुत गर्मी हो गई थी पिछले हफ्ते, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उससे बहुत राहत मिलेगी इस बारिश से लोगों को। सर्दी आ भी जाए, क्योंकि सर्दी गर्मियों से तो बहुत बेटर होती है, पर देखते हैं आगे क्या बनता है। पर इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा बढ़िया। जो बारिश हुई है उसके लिए क्या करूँ, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम पहले गर्मी आ गई एकदम से ना, मौसम से पहले ही, तो अभी अच्छा लग रहा है। बारिश हुई है तो हम तो खुद भीग के आए हैं। नहीं 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 नहीं, कोई डर नहीं है, अच्छा लग रहा बल्कि। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के शहादरा डिस्ट्रिक्ट के आनंद विहार पुलिस ने एक एटीएम मशीन को चुराने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आनंद विहार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक एटीएम की मशीन चोरी कर कर ले जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 380, 511, 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ आनंद विहार हरकेश गावा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें कई सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, एक बाइक और स्क्रू ड्राइवर और कई चीजें बरामद की हैं। फिलहाल आरोपी को इस इलाके के पीछे डाल दिया गया। शहादरा डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन यूनिट एसटीएफ और स्पेशल स्टाफ ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कृष्णानगर में महिला की चेन की स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कल्याणपुरी का बीसी है। आपको बता दें कि वहीं डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि इस मामले में इसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और ये 2 राज्यों में बीसी भी रह चुका है। पुलिस ने 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज भी देखे, जिसके बाद इस आरोपी की पहचान हो सकी। आरोपी का नाम अतुल है। फिलहाल पुलिस ने इस्तेमाल किए हुए
उसके कपड़े और इस्तेमाल किया हुआ वेपन भी बरामद कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के 250 वार्ड के अलग अलग मार्केट में जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट के विजय चौक पर बीजेपी के विधायक अभय वर्मा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता मार्केट के व्यापारियों के बीच में पहुंचकर दिल्ली में कथित शराब घोटाले के बारे में लोगों को बताया गया। इस मौके पर बीजेपी के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, केजरीवाल मस्त हैं। साथ ही कहा कि केजरीवाल के दो मंत्री जेल में हैं, नैतिकता के आधार पर उसके सरगना केजरीवाल जी को है, नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर दिल्ली को जनता को बताएगी कि कैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। अब तो यह स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, उनके दो दो मंत्री जेल में है और मुखिया बाहर रहे तो शोभा नहीं देता है। केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली में पुनः चुनाव कराना चाहिए, ये मांग कर रही है दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता को भी हम बताने जा रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जो बच्चों की पढ़ाई का आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे, जिसका ढिढोड़ा आप विश्व स्तर पर पीटते रहे, तो एजुकेशन का तो भला कर ही दिया, लेकिन वो इतना बड़ा शराब माफिया निकला, शराब घोटाले बाज निकला, उसको जनता के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, नहीं तो ये चिंगारी उनके पास पहुंचेगी और इस आग की लपट उनको भी जलाएगी और आज नहीं तो कल उनको भी जेल जाना पड़ेगा। जब भी गलती करते हैं तो यही कहते हैं कि हमको मोदी जी ने फंसा दिया। पहले एक दो साल पहले उनका स्वभाव था कि सुबह में जगते थे तो मोदी जी के विरोध में एक ट्वीट करते थे, रात्रि में सोने लगते थे तो केंद्र सरकार के विरोध में एक ट्वीट कर करके सोते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि आपने कहते हैं कि जो हमको केंद्र सरकार फंसा रही है, केंद्र सरकार जांच कर रही है, केंद्र सरकार से पूछ करके आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला था। दिल्ली की राजनीति में हर दिन हंगामा देखने को मिल रहा। दिल्ली में सियासी उठापटक के बीच में विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हुआ। 21 मार्च को दिल्ली का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में जब बजट से पहले एलजी ने विधानसभा में अपना भाषण देना चाहा तो बीजेपी और आप के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। इसके साथ काफी देर के हंगामे के बाद एलजी स्पीच दे पाए। पूर्व दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि हमारी मांग एलजी से केजरीवाल को पद से हटाने की थी, वो एक भ्रष्ट सरकार चला रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक एसके बग्गा का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही इस तरह के हंगामे करती रहती है, मेयर चुनाव में सरकार नहीं चलने देना चाहती थी, लेकिन एलजी के आगे इस तरह के हंगामे करने से उन्होंने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि बीजेपी के हंगामे के बाद एलजी ने केजरीवाल सरकार की तारीफ की, उनके साथ होने का दावा भी किया। सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जितने भी विभाग हैं उतने ही घोटाले हैं, चाहे आबकारी घोटाला हो, चाहे जासूसी कांड हो, चाहे वाटर सप्लाई में हो, चाहे स्कूलों में कमरे बनाने में घोटाला हो, हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। दो दो मंत्री जेल में पड़े हुए हैं जी। तो हमारा कहना ये था, जब माननीय उपराज्यपाल महोदय आए तो हमारा उनसे ये कहना था कि भ्रष्ट केजरीवाल सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये मांग पूरे के पूरे बीजेपी का, जो हमारा विपक्षी जो दल है, हमने विदुड़ी जी के नेतृत्व में एलजी साहब को ये उनके संज्ञान में ये बात उठाई जी। तो उसके बाद क्या लग रहा है, अभी तक कुछ कार्यवाही ऐसे होने वाली है या फिर? देखिए, एक विपक्ष होने के नाते इन चीज़ों को उठाने का हमारा काम है, हम उनको पूरी ताकत के साथ सदन में और सड़क पर उठा रहे हैं। कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, कुछ मामले सीबीआई के पास पाइपलाइन में है, कुछ चीज़ों पे वो चल रही है, नया जासूसी कांड आ गया है, अभी स्कूलों वाला भी आएगा, डीटीसी का भी आना है, बस खरीदने वाला मामला भी आना है। तो कोई भ्रष्टाचार की बात तो ये है, ये केजरीवाल जो इस नाम पे आए थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, आज हर फील्ड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए, बजट कल पास नहीं होना था, कल माननीय उपराज्यपाल का भाषण था, उस भाषण में बीजेपी वालों ने बहुत तंग किया, भाषण करने नहीं दिया शुरू में, तो जब तंग होकर गोयल साहब ने उनको बाहर निकाला, तब
माननीय उपराज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण दिया, दिल्ली सरकार की तारीफ़ किया उन्होंने, उन्होंने जितने भी काम किए उनको गिनाए, काम गिनाए और मेरी सरकार कहकर तारीफ़ की है। और बहुत अच्छा लगा सभी विधायकों को कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों के गिनाए, उन्होंने काम सारे काम गिनाए और जो आगे भी करना है उसके लिए भी चर्चा की उन्होंने। वो ये बार बार कह रही जी मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दें। हमारे लोग कह रहे थे अदानी मोदी भाई भाई, अदानी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उस सीएम के ऊपर क्या एक्शन, जो आपने उप मुख्यमंत्री को कारागार में डाला है बिना उसके कोई चीज़ नहीं मिली उनके घर पे, एक पैसा नहीं मिला कहीं भी, ना कहीं कहीं गांव चले गए वहाँ नहीं मिला, बैंक लॉकर में नहीं मिला कुछ। अब ये कैसे झूठे केसों में फंसा रहे हैं, अब ये देखिए कोर्ट ही फैसला करेगी इसके ऊपर। नहीं, एलजी को अच्छा नहीं लगा कल बीजेपी ने जो किया, ऐसा करना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी शख्सियत भाषण दे रही है, आप उनको अलग से मिलो, अपनी बातें बताओ, कुछ तकलीफ़ है आपको तो ओपन हाउस में ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ये मामला हमने एथिक कमेटी में भेज दिया है, वो इसकी इंक्वायरी करेगी और जो उसमें उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। जगतपुरी और साथ ही करकडुमा के बीच में बनी पुलिया जो कि काफी पुरानी है, इस पुलिया पर लगी ग्रिल जो कि सुरक्षा के लिए लगाई गई है, जिसे असामाजिक तत्वों ने काफी जगह से इस ग्रिल को तोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि ये पुलिया काफी पुरानी है, यहाँ ना ही लाइट है ना ही कोई ग्रिल लगी है। दरअसल शाम के समय पर लोगों को यहाँ से गुजरने में भी काफी डर लगता है, साथ ही ग्रिल टूटी हुई है, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। ये आधी तो सही है, आधी यहाँ पे मतलब निकली हुई है यहाँ से, अब उसका यहाँ के जो मतलब ऐसे जो लोग हैं जो मतलब स्मैक वगैरह पीते हैं वो यहाँ से तोड़ के ले गए। नहीं, अभी अभी जब यहाँ कंप्लेंट जाएगी आपका, ये जैसे जब ये आप ले रहे हैं तो हो सकता है फिर आ जाएं लोग। हाँ, हादसा तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, स्कूल साथ में है, कोई मान लो कोई स्कूल का बच्चा आया है उसको ही यहाँ से मतलब डाल दें, नीचे डाल दें, कुछ भी कर सकते हैं। लाइट हाँ है, लाइट कम है इस यहाँ तो नहीं है, पुल पर तो नहीं है, लेकिन आगे भी उधर भी है और पीछे। ये तो मैडम करीबन हो गए होंगे साल, एक साल ही हो गया होगा। ये नशे वाले जो होते हैं यही चुरा कर ले जाते हैं, और कौन चुराएगा जरिए यहाँ पे, जो स्मैक पीने वाले होते हैं वही चुराते हैं इनको। नहीं, शाम के समय जब यहाँ से गुजरते हैं तो लड़के रहते हैं यहाँ पे, इसमें वो पीने वाले जो है स्नेचिक जो है, अब वो चार पाँच रहते हैं, उनको कोई बोले तो फिर वो चाकू मार देंगे ब्लेड वगैरह। हाँ, तो मैं कई बार गुजरता हूँ ना यहाँ से, जब मेरी नाइट ड्यूटी होती है शाम को तो मैं गुजरता हूँ यहाँ से। पूर्वी दिल्ली के शहादरा जिला अंतर्गत घोंडली गांव की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि घोंडली गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर प्रशासन कुछ ध्यान नहीं देता, नालियां ओवरफ्लो रहती हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद प्रशासन और कोई भी अधिकारी यहां पर सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। नालियों का पानी रोड पर आता है, मच्छर पनपते हैं, रोड टूटे होने की वजह से एक्सीडेंट भी होता है, मगर गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी विधायक और निगम पार्षद यहां के कामों को नहीं करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है आज वह गांव में जो है सफाई की है, सफाई जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, नालियों में कूड़ा ऐसे ही बहता रहता है, नालियाँ मतलब यहाँ पे हम अपने गांव को एक स्वच्छ और साफ जो है गाँव बनाना चाहते हैं, क्या हमारे गांव के वासियों को जो है सफाई में रहने का हक नहीं है, क्या ये नेता लोग ऊपर के देखते नहीं हैं। हम अपने गांव की आज आपके चैनल से एक माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी नेताओं को इनवाइट करेंगे, चाहे वो सांसद गौतम गंभीर जी हों, MLA विधायक श्री SK बग्गा जी हों, और चाहे निगम पार्षद हमारे राजू साई जी हों, सबको बुला के एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में बताएंगे कि हमारे गांव की समस्या, सफाई की समस्या का एक बहुत बड़ा रोल है जो आप लोग जो है करा सकते हो। वर्कर आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, 5 दिन छुट्टी करते हैं। मेन मुद्दा जो गांव में है, सफाई तो है ही है, आप बड़े बड़े गड्ढे जाके देखिए, जो पहले 3 गड्ढे थे आज वो 5 गड्ढे बढ़ गए हैं। निगम पार्षद कभी आके यहाँ पे देखते नहीं है, उन्हें कई बार गांव के स्थानीय लोग जाते हैं तो कहते नहीं, क्या कहें, बोलते हैं तो आश्वासन यही देते हैं कि भाई हम करा देंगे ठीक। सफाई का मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है, नालियां भरी होती हैं, सफाई करने वाले आते नहीं, कई कई दिन की छुट्टियां मार जाते हैं, आते नहीं, और नालियां भरी होती हैं, सड़कों पर बुरा हाल है, इसी समस्या बहुत भारी है।
कम से कम 70% बीमारी बढ़ने के चांस है, जिसमें मलेरिया डिपार्टमेंट भी एक बारी भी कोई आके झांकता नहीं है यहाँ पर अपने गांव के लिए, दवाई के लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी। कई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो सफाई है, एक अपने जो एरिया में जो कूड़ादान था वो बंद कर दिया, तो सबसे बड़ी घटना तो यही है कि अपना आप सुबह के टाइम अपने घर का कूड़ा अगर कोई कर्मचारी कोई रिक्शा लगा दे गांव के अंदर, जैसे छोटी गलियां हैं वहां रिक्शा, वो टीपर नहीं बढ़ा जाता, रिक्शा है उसमें तो रिक्शा भेज दे, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो हमें अपना आप ही उठानी पड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्व दिल्ली खास।